पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा। और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र NH-28 पर दोघरा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है, साथ ही घायलों को समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया। कार में सवार घायल नीरज पटेल ने बताया कि हम लोग कार में सवार होकर गोरखपुर में मीटिंग के लिए लखनऊ जा रहे थे। यमुना फाइनेंस कंपनी में ये लोग काम करते हैं। हाईवे पर मरा हुआ जानवर पड़ा था, तेज रफ्तार में कार का पहिया उस पर चढ़ गया और कार डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के समय नीरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। आपका नीरज पटेल। कैसे क्या हुआ नीरज जी? वो सर रास्ते में वो गाय का बछड़ा मरा हुआ पड़ा था, उस पर गाड़ी चढ़ी और वो ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर दब गया। अच्छा। जब यह स्लिप हुआ तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, इसलिए गाड़ी डिवाइडर तोड़ के पलट गई। कितने लोग थे गाड़ी में? 7 लोग। और क्या कितने लोग एक्सपायर कर गए उसमें? 3 लोग एक्सपायर कर गए। कहाँ जा रहे थे आप लोग? गोरखपुर से लखनऊ। क्या करते हैं वहाँ पर लखनऊ में? सर हम लोग गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, जो समूह वाली होती है। अच्छा। हम लोग का मीटिंग था शनिवार को। कौन कौन लोग इंस्पायर हुए हैं? जो एक हमारे AM सर, बड़े सर हैं धीरज सिंह, और एक हमारे 2 स्टाफ हैं, एक सोनू चौधरी और एक दिलीप कुशवाहा। अच्छा, गोरखपुर में कहाँ रहते हैं आप लोग? पिपराइच में। पिपराइच से लखनऊ जा रहे थे सर। 4 लेन पर गढ़ा गौतम के पास एक दुर्घटना हुई है। कप्तानगंज थाना अंतर्गत आज रात्रि में 2:45 बजे के लगभग एक एक्सक्यूवी कार जिसमें 7 लोग सवार थे, गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे थे, जो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, अचानक नीलगाय के आ जाने से उसमें दुर्घटना हो गई, जिसमें धीरज सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई है। से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें उपचार के दौरान सोनू चौधरी और दिलीप कुशवाहा की मृत्यु हो गई है। से सभी जो अन्य घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। हरदोई में आग लगने से डंपर जलकर राख हो गया। डंपर चालक और सहयोगी ने कूदकर अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों से डंपर में भीषण आग लगी। हरदोई कन्नौज रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। मिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में परसौला के पास डंपर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सीतापुर के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। सीतापुर के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा समेत जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विनीत राठौर, बबीता गुप्ता और सागर गुप्ता समेत जनपद के तमाम कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। सीतापुर जनपद के हिंदू मुस्लिम युवाओं और महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान के मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाकर होश में आओ कहते हुए नजर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला फूका। आपको बता दें कि बिलावर भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। डिग्री कॉलेज चौराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी का प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा PM पर विवादित बयान के बाद देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टू ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई बोला है। पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को शरण देती है, उनके यहाँ लादेन जैसा आतंकवादी मारा गया, इसकी टिप्पणी पे हमारे विदेश के मंत्री ने जब उनकी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भारत में भारत का प्रधानमंत्री देश का कसाई बैठा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है और विश्व के एक नंबर के नेता बन चुके हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को फर्रुखाबाद के लालगेट चौराहे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो
का पुतला दहन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने को लेकर ये पुतला दहन किया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की बदहाल हालत को दुनिया से बचाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने एक शर्मनाक बयान दिया और वो शर्मनाक बयान इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया। हम सब इस बयान की घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं और पाकिस्तान की विदेश मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बदहाल व्यवस्था दुनिया के सामने जो आ रही थी, पाकिस्तान के पास मात्र 15 दिन का अर्थव्यवस्था बची है जिससे देश चल सकता है, दुनिया के ऊपर उसका ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल किया। पीलीभीत में 31 साल पुराने मुठभेड़ कांड में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को आए फैसले में फर्जी मुठभेड़ कांड के दोषी 43 पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। कल आए इस फैसले से मुख्य पैरोकार संतुष्ट नहीं है। वहीं मृतकों के परिजन 31 साल पुरानी घटना को याद करके रो रहे हैं। 91 मुठभेड़ का कल फैसला आया था जी, क्या हुआ था इतने साल में पूरी बात बताइए। 1991 में एक यात्रियों की बस हजूर साहब से नादेड़ साहब से पीलीभीत के लिए पटना साहब होते हुए आगरा होते हुए पीलीभीत के लिए बस आ रही थी और इन लोगों ने क्या किया, पीलीभीत की पुलिस ने 11 सिखों को बदायूं कसला घाट से उतार के और पीलीभीत में ला के अलग अलग मुठभेड़ों में मार दिया था। उसमें एक हमारे मौसा जी थे, मौसा जी के नरेंद्र सिंह की, क्योंकि माता जी हमारे यहाँ आई और मैं जब पता करने के लिए इसके लिए गया। मेरा नाम जगदीप सिंह। नरेंद्र जी आपके कौन थे? ताऊजी थे। ताऊजी का आपका एनकाउंटर हुआ और फैसला आ गया है, 7 साल सजा मुकर्रर हुई है, तो क्या कहना है आपका? हम तो चाहते हैं फांसी होती इनको, जैसे हमने दिन काटे इनके बच्चे भी आगे काटते। गलत करा तो नजायज करा तो नजायज भरते हुए। ये इनकी पत्नी बैठी है, किस तरह इनका गुजर होता है पूरे घर का? सर 4-5 एकड़ जमीन से क्या गुजर होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान को लेकर सीतापुर के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन करते हुए नजर आए। सीतापुर के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा समेत जिला अध्यक्ष अचिन मेहत्रोत्रा और विनीता राठौर, इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। शहीद पार्क में इकट्ठा होकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे आज पाकिस्तान लाल बाग पार्क का जो है लाल बाग पार्क में है ने मृतक के बयान देश को लेकर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आप देख लीजिए कि कल ये बयान जारी हुआ है और कितनी बड़ी संख्या में जनसभू हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समर्थन पे आज सड़कों पे उतरने जा रहा है और ये बहुत ही निंदापूर्ण बयान है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में किसी विदेश मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान उसकी मानसिकता को दर्शाता है। हम सीतापुर की समस्त जनता इसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पालिका में आप भावी प्रत्याशी हैं, यहाँ पर से आप जीतती हैं तो पहले नंबर में आगे क्या मुद्दे रहे? पहले मुद्दे तो अभी इस समय हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हमारे माननीय मोदी जी के लिए जो आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, तो माननीय मोदी जी का अपमान किया है जी। विदेश मंत्री पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जो जो विदेश मंत्री इतने पद ऊंचे पे रहे हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी के लिए इतना अपमान शब्द कहा है, ओसामा बिन लादेन के लिए उन्होंने। फतेहपुर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा न्यूयॉर्क में प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोशित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। जिले के पटेल नगर चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने कहा, न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया लेकिन
गुजरात का कसाई अभी जिंदा है जो भारत का प्रधानमंत्री है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अमर्यादित बयान से आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर चौराहे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। पुतला दहन बिलावल भुट्टो का किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक अमर्यादित बयान दिया है ये निंदनीय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अनेकों राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और तमाम ऐसे देश हैं जो उनकी तारीफ करते नहीं थकते क्योंकि भारत विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। हर क्या था कार्यक्रम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो अमर्यादित हुई है उसके विरोध में उनका मतलब आज फूका गया है और चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी भारत के खिलाफ करते हैं तो खाली जो पुतला है ये एक एक प्रतीक है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे उतरने से रेल यातायात बाधित हो गया है। प्लेटफार्म नंबर 5 पर ये डिब्बे उतरे थे। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। तो न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा ने खास बातचीत की बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी से। क्या कुछ कहा उन्होंने देखिए धमाकेदार इंटरव्यू अब से कुछ ही देर बाद सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। पहली बात तो आपको मुबारक कि गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबरों का। बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत बयानबाजी को लेकर भाजपा पदाधिकारियों में रोष दिखा है। बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। इस दौरान अशोक लाड चौराहे में जल शक्ति मंत्री राकेश निशा समेत सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी और नरेनी विधायक ओम मणि वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत बयानबाजी हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इसी क्रम में लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणियां की गई है तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं आम नागरिकों के द्वारा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सम्मान में और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पतला पुतला फूंककर आक्रोश। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विरुद्ध भद्र टिप्पणी किया है। इसके विरोध में बांदा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने विरोध प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंकने का कार्यक्रम है। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कहा गया कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसने प्रदर्शन किया, किसका पुतला फूंका आप लोगों ने? हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जिन्होंने हमारे
विश्व जनता के दिलों में राज करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र टिप्पणी की है, उसलिए हमने बिलावल भुट्टो पाकिस्तान गद्दार देश के मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया फीडबैक सामने आया। इस मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसको लेकर एसआईटी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर वी मुकरेशन ने बताया कि 500 पेज की चार्जशीट तैयार है। इस मामले की जांच हो चुकी है, जो जांच बाकी है उसकी एसआईटी आगे भी जांच करती रहेगी। आपको बता दें कि डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर रेणुका देवी की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है। उनका कहना है कि सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया गया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कुछ साक्ष्य बाकी हैं जिनकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल भी किया गया है। इस पूरे मामले में पक्ष के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस जांच और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। हालांकि आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। विपक्ष के साथ ही पीड़िता के परिजन भी इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, जो 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है, उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जब उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया, फिर वहां का रिसॉर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो तीन लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे तीनों लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए, तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए, वहां पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की, तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से, तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। बाराकोली रेंज कर्मियों की टीम ने मथुरा से पहुंची रेस्क्यू टीम के साथ 50 बंदरों को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। वन विभाग अब पकड़े गए बंदरों को वन क्षेत्रों में प्रवास के लिए छोड़ेगा। इससे शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के उत्पात से आमजन को काफी राहत मिलेगी। बाराकोली रेंजर महेंद्र सिंह रेकुने ने बताया कि शनिवार को मथुरा से पहुंची टीम ने वन विभाग के सहयोग से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। श्री संदीप कुमार साहब, एसडीओ साहब श्री संतोष पंत साहब, रेंजर साहब श्री महेंद्र सिंह रेकुनी साहब के नेतृत्व में जो है ये बंदर पकड़ने का एक डेमो यहाँ सितारगंज में आज किया गया है। इसमें मथुरा से हमारी ये टीम आई हुई है। सुबह 7:30 बजे से हमारी टीम बंदरों को पकड़ने के लिए यहाँ गई। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जो बंदरों से लोग बहुत परेशान थे, तो वहाँ से हम बंदरों को पकड़ के लाए हैं और अभी कल्याणपुर में जाना है। मैं गाँव वासियों से और नगर पालिका परिषद से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब बंदर अगर कभी आएँ तो आप लोग 500 रुपया बंदर पकड़ने का ये लोग लेते हैं, इनको बुलाएं। और हरिद्वार जनपद की पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कर नए संसाधनों के साथ जनपद मंथ लौटे चीता पुलिस को एसएसपी हरिद्वार ने हरिजन दिखाकर अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय सिंह ने जनपद की कमान संभालने के बाद पुलिस सिपाहियों को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी कर दी है। क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं को संतुलित करने के लिए विशेष तौर पर सिपाहियों को 3 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी गई। नई वर्दी से लैस चेतक पुलिस को आमजन या पीड़ित आसानी से पहचान कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। मंगलौर कोतवाली पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के 34 मोबाइल चेतक नई ड्रेस और आधुनिक तकनीकी से लैस पुलिस जवानों को जाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलौर ये पूरे देहात क्षेत्र का एक प्रोग्राम था, इसमें जिसमें देहात क्षेत्र में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है और जो सभी सूचनाओं पर खासकर जो हमारे क्राइम से अपराध से हो झगड़े से हो उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में रहता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेस हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था, यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे उनको किया गया और साथ ही साथ इसमें फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा एक बोलेरो वाहन भी दिया गया पुलिस को अपने सीएसआर फंड से, जो पुलिस को यूज़ आने के कारण वो जनता के प्रयोग में या कहीं ऑफिसर को यूज़ करने में या थाने में यूज़ करने में सहायता होती, जो पूर्व में भी उनके द्वारा ऐसे वाहन उपलब्ध कराया गया है। तो मेन पर्पज़ था कि सभी कर्मचारियों से
उनको स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये किट बांटना और साथ बात आपको मुबारक कि गुजरात में जो भव्य जीत हुई बहुत शुक्रिया आपका 32 साल की मोहर लग गई देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है